प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की, कहा लोगों को स्वास्थ्य और पोषण की गारंटी प्रदान करना सरकार का संकल्प। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पावन ज्योति छत्तीसगढ़ पहुंची, राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ज्योति कलश मुख्यमंत्री को सौंपा। गुंडरदेही में बना 51,000 रामचरित मानस ग्रंथ वितरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड, यह उपलब्धि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। और जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण से स्पेशल बेर लेकर युवाओं का दल अयोध्या के लिए रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इसे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन बन चुकी है और अब तक 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। इस यात्रा के दौरान 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजना के लिए आवेदन किया, 35 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी पीएम किसान योजना से जुड़ गए, 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़े गए, 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। और साथियों, करोड़ों लाखों की संख्या में किसी के लिए महज आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये हर संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, मेरे लिए ये एक जीवन है। मेरा वो भारतीय भाई या बहन है, मेरा परिवारजन है जो अब तक योजना के लाभ से वंचित। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 70 से 80% पंचायतें इस यात्रा के दायरे में आ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति छत्तीसगढ़ पहुंची, राजधानी रायपुर पहुंचे राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र ज्योति कलश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर में ज्योति कलश को रखा गया है, जहां से प्रदेश भर में पावन ज्योति कलश भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों से घर घर ज्योति जलाने की अपील की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राम भक्तों का 7 सदस्यीय दल राम जन्मभूमि से ज्योति कलश लाने अयोध्या गया था। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोर शोर से तैयारियां हो रही है। वहीं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर उत्सव का माहौल है। इसी कड़ी में बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित कार्यक्रम में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा 3,000 मानस ग्रंथों का वितरण किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पहले 48,000 ग्रंथों का वितरण हो चुका है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धालुओं को रामचरित मानस का वितरण भी किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भव्य श्री
श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। ये हम सब के लिए गौरव का दिन है। मानस मंडलियों द्वारा श्री राम के आदर्शों का जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। ऐसे पवित्र अवसर पे जब मोहन मंडावी जी ने 2002 से अपनी यात्रा शुरू करके न केवल 2, 4, 10, 15 बल्कि आज तारीख तक 51,000 रामचरितमानस के प्रतियों का वितरण किया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम आया है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि ये एक आयोजन, एक व्यक्ति, और व्यक्ति जब संस्था बन जाता है उसका नाम मोहन मंडावी कहलाता है। वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, 51,000 परिवारों में, गांव में रामचरित मानस पहुंचाने का अद्भुत संकल्प। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने इस संबंध में निश्चय किया था कि 51,000 मानस ग्रंथ की प्रति बांटकर लोगों के समक्ष श्री राम का आदर्श अधिकांश संख्या में प्रसारित करेंगे। इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रामचरित मानस मतलब 51,000 परिवार में उन्होंने रामचरित मानस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही मुझे जानकारी है कि रामचरितमानस के साथ हर घर में तुलसी चौरा हो, इसका भी प्रोत्साहन उनके तरफ से हुआ है। यह बहुत बड़ा काम है और विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तो और भी इस काम का महत्व बढ़ जाता है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने इस अवसर पर बताया कि उन्होंने वर्ष 2002 से मानस ग्रंथ वितरण का कार्य आरंभ किया। उस वक्त वे शिक्षक थे, बाद में उन्होंने ये काम जारी रखा। मानस के श्लोकों के साथ उन्होंने श्री राम के आदर्शों को जनता के समक्ष रखा। डॉक्टर आर सी शर्मा, मैं निमंत्रण देने गए, क्या चाहिए, क्यों सही, क्या सहयोग चाहिए पंडाल माइक का। मैं कहा भाई साहब मुझे आप रमान दीजिए, कितना रमान चाहिए, तो बड़ा वाला रमान मुझे 2100 रमान पहले दिए और वहीं से मैंने शुरू किया और इतना रमान बांटा, इतना रमान। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने कहा कि मानस के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का बड़ा काम श्री मंडावी द्वारा किया जाया है, जिसे हमने प्रशिक्षण और इसे दर्ज किया है। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण से स्पेशल बेर लेकर युवाओं का दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। जांजगीर पहुंचने पर युवाओं का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। यहां से ये युवा कोरबा जाएंगे और फिर अंबिकापुर होते हुए 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। युवाओं का कहना है कि वनवास काल के दौरान प्रभु राम शिवरी नारायण पहुंचे थे, जहां मान्यताओं के अनुसार माता शबरी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए थे। युवाओं ने बताया कि शिवरी नारायण में ऐसा दुर्लभ वट वृक्ष है जिसके पत्ते दोने के आकार के हैं। कीवदंती है कि इस वट वृक्ष के पत्ते में बेर लेकर माता शबरी भगवान राम को दिए थे। इसके पौधे को भी युवा अयोध्या लेकर जा रहे हैं ताकि वे इसे यहां रोप सके। यात्रा आज शिवरी नारायण से निकल आपके जांजगीर पहुंची है। पंतोरा होते हुए कोरबा के सीतामणि गुफा है, वहाँ पूजा कर ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक जाएगी। वहाँ से रात्रि विश्राम दीपका मिलेंगे। कल दीपका नगर भ्रमण होते हुए गढ़घोरा पहुँचेंगे। गढ़घोरा से अंबिकापुर 19 तारीख पहुँच कर 19 तारीख को अंबिकापुर से अयोध्या धाम के लिए हम सब निकलेंगे। 20 तारीख शाम तक हमारी प्रयास रहेगी, भगवान की इच्छा रही तो हम सब अयोध्या पहुँच जाएंगे। वो वृक्ष को और वृंदावन में भगवान श्री प्रभु श्री राम के मंदिर के पास उस वृक्ष को लगाया जाए और वो वृक्ष की स्थापना वहाँ पे हो, क्योंकि वो वृक्ष सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ शिवरी नारायण में उपलब्ध है। और वो वृक्ष हम साथ में लेके जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से ये आह्वान करते हैं कि हम अयोध्या नहीं पहुँच पाएंगे तो चलेगा, लेकिन वो वृक्ष वहाँ पहुँचना चाहिए और वो वृक्ष वहाँ लगे, क्योंकि वो वृक्ष माता शबरी ने श्री राम जी को उसी वृक्ष के पत्ते से और मीठे और जूठे बेर खिलाए थे। ये स्पेशल बेर शिवरी नारायण सहित आसपास के जंगलों से जुटाए गए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शिवरी नारायण के बेर का भोग भगवान श्री राम को लगाया जाएगा।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन। मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल रायपुर सेंट्रल जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों से उन्होंने जेल की कार्यप्रणाली, कैदियों की व्यवस्था और उनके कार्यकलाप की विस्तृत जानकारी ली तथा उसमें सुधार संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कैदी को अनावश्यक परेशान न किया जाए, न ही किसी कैदी का अनावश्यक पक्ष लिया जाए। उप मुख्यमंत्री जेल में बंदियों से उनके बैरकों में जाकर वहां उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जेल व्यवस्थाओं की जानकारी ली है, जो अभी भी अव्यवस्था है उसे दूर किया जाएगा। जो कुछ भी यहां मैंने देखा है, कई लोगों से बातें की है, गंभीर अपराधों में लोग बंद हैं, सालों से बंद हैं, किसी को 16 साल 15 साल हो रहा है, तो ये जो लोग बंद हैं ना, मैंने उनको दुख है इस विषय का, मैं ये आभास कर पाया हूँ। और एक ये विषय भी और मुझे लगता है कि कहीं किसी के मन में सुधरने का संकल्प होता है और किसी के मन में वह भी नहीं होता है। गृह मंत्री ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश के सभी जिलों में पर्व आयोजित कर मिठाई वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। बस्तर जिले के अंतागढ़ के किसान निर्धारित तिथि पर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा धान बिक्री की राशि नहीं दिए जाने से नाराज हैं। उन्होंने कोयली बेड़ा में भी जिला सहकारी बैंक की शाखा को ले जाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि बुधवार को उन्हें धान बिक्री की राशि बैंक से मिलनी थी, लेकिन देर रात तक खड़े रहने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया। छोटे किसानों को तो पैसे मिल गए, लेकिन जिनकी राशि अधिक थी उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। पैसा के लिए आए थे धान बेचे हुए और पैसा नहीं मिल रहा है। अभी 7-8 बज रहा है और हम कहाँ जाएंगे? अभी तक के सारे लोग विड्रॉल करके शांत बैठे हुए लोग, कोई हंगामा नहीं कहे, ईमानदारी के थ्रू सब ईमानदारी का परिचय देते हैं। फिर भी शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, ये सारी चीज़ें कोयली बेड़ा होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएँ हो। वहाँ ATM खोल दिए बस दिखावे के लिए पिछली सरकार ने, अभी की सरकार क्या करती है पता नहीं। फिर भी उनको भी हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कोयली बेड़ा क्षेत्र में जिस तरह अमाबेड़ा में हुआ, उसी तरह हमारे कोयली बेड़ा में भी सहकारिता बैंक खोलना चाहिए। किसानों ने शिकायत की, जब उन्होंने बैंक के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बैंक मैनेजर से बात करने को कह दिया। बैंक मैनेजर भानुप्रतापपुर में थे, जिससे उनसे बात नहीं हो पाई है। जांजगीर चांपा जिले में छेरछेरा लोक पर्व की शुरुआत हो गई है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डंडा नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा की गुहार लगाकर धान देने की अपील भी करते हैं। जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम बाना की डंडा टोली इन दिनों विभिन्न गाँवों में पहुँच कर धान का दान देने की गुहार लगा रही है।
डंडा नृत्य टोली के संचालक धर्मेंद्र ने बताया कि छेरछेरा पर बच्चे गली मोहल्लों में घरों में जाकर छेरछेरा यानी कि दान मांगते हैं। यही इस टीम से जुड़े शिव कुमार ने बताया कि वे गांव में जाकर डंडा नृत्य करते हैं और लोग इन्हें धान का दान करते हैं। बहुत धूमधाम से मनाते हैं और नवा कटाई मिसाई हो गए है और घरों घर जा जाके हमन भिक्षक रूप में मांगते हैं और पुन्नी कुछ पुन्नी के आखिरी तिहार और शुरू तिहार है और यहाँ भिक्षा मांगते हैं डंडा अच्छा और लड़का मतलब 15 दिन के सिखो के पूरा मांदर झांझ मंजीरा साथ ले करके सब झंडा नचवाते हैं और गांव गांव जाके मांगते हैं। छेरछेरा त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और लोक पारंपरिक त्योहारों में से एक है। किसान जब अपने खेतों से धान की फसल का भंडारण कर चुके होते हैं तब ये पर्व पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जनमानस में बरसों से ये धारण बनी हुई है कि छेरछेरा में धान का दान करने से धान की शुद्धि होती है। प्रदेश में इन दिनों सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत बेमेतरा जिला में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बेमेतरा थाना प्रभारी अजय सिन्हा की टीम ने मुख्य चौराहे के पास यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को समझाइश भी दी है और उन्हें यातायात नियमों से अवगत कराया। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने वालों को फूल माला पहनाकर और उन्हें श्रीफल टॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान मैराथन दौड़ आयोजित की गई जिसमें स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान इंडोर स्टेडियम में प्रशिक्षकों ने जुम्बा डांस का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता शामिल हुई। जांजगीर चांपा के कलेक्टर आकाश छिकारा ने पाठकों की सुविधा के लिए विशेष पहल शुरू की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से पुस्तक दान महाअभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों सहित अधिकारी कर्मचारियों से किताबें दान करने की अपील की। इस अवसर पर कलेक्टर सहित जिले के अधिकारियों ने अपने पास रखी ज्ञानवर्धक किताबें दान की। पुस्तक दान महाअभियान के अवसर पर शुभारंभ करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किताबों की उपयोगिता को खत्म नहीं होती है। इसी सोच के मद्देनजर पुस्तक दान महाअभियान का शुभारंभ किया। संकलित पुस्तकें लाइब्रेरी में रखी जाएंगी जिसका लाभ विद्यार्थी और आमजन उठा सकेंगे। इस दौरान कलेक्टर ने पुस्तक संकलन के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन सभी विकास खंडों में पहुंचेगा। इस दौरान शासकीय कार्यालय आम नागरिकों से संपर्क कर दान करने लायक पुस्तकों का संकलन किया जाएगा। महासमुंद जिले में 16 दिसंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक जिले के 415 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुकी है और लगभग 4 लाख ग्रामीण इन शिविरों का लाभ उठा चुके हैं। इसी कड़ी में महासमुंद नगरपालिका क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को जाना और उसका लाभ लिया। हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी सफलता की कहानी लोगों को बताई। इन्हीं में से एक ज्योति चंद्राकर थी जिन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से लोन लिया और अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। कुछ योजना है जैसे कि सरकार हमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत में हमको लोन दिया जाता है। जो हम बहनों ने लोन लिए और हमारा जो स्थिति थोड़ा गंभीर था वो अच्छा से सुधार आया और बहुत अच्छा लाभ मिला उसमें हमको। एक अन्य हितग्राही हीरालाल आवड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से उन्हें ऋण मिला है और अब उनका रोजगार अच्छे से चल रहा है। छानी वाला तकलीफ बहुत मिलता है, पानी वानी पीता है, बंदर आता है तो रात को बहुत तकलीफ होता है सोने होने में, परिवार वाले को भी, हम लोग सबके सभी लोगों को। तो अभी हम लोग को नगर पालिका से जानकारी मिला है कि मकान बनाने के लिए कुछ राशि मिल रहा है प्रधानमंत्री योजना के लिए। वहीं बिहारी लाल साहू ने बताया कि उनका पक्का मकान बनाने का सपना है और इस शिविर में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा है। मैं कहना चाहूँगा पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, कोरोना काल में भी काम धाम नहीं था तो उस ये योजना आए स्वनिधि योजना जो हमको लोन मिला और हम अपना धंधा पानी करें और हमको ये दोबारा लोन मिला 20,000 का, तो मैं कहना चाहूँगा खुशी मिली और धंधा पानी में सहयोग मिला। इसी के साथ मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा।
नगर पालिका के सीएमओ टॉमसन रात्रे का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हितग्राही आकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह का माहौल है। इन दिनों राजनांदगांव शहर राममय हो गया है, जगह जगह विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव में श्री राम रथ यात्रा निकाली गई, जो कि सोमनी सुंदरा और राजनांदगांव शहर के प्रमुख मार्गों को होती हुई डोंगरगढ़ के ग्रामीण इलाकों के लिए रवाना हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने बाइक रैली निकालकर रथ यात्रा की अगुवाई की। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा रथ का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वे भी 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े और इस दिन को दीपावली की तरह मनाएं। उसी संदेश को लेकर के गए हैं। संदेश यही है कि 22 को सभी लोग जुड़े इस कार्यक्रम से और सब लोग उस दिन भी दिवाली के रूप में इस कार्यक्रम को मनाएं। वहीं सराफा व्यापारी संघ के सौजन्य से शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में रथ में बाल रूप में विराजमान भगवान श्री राम की प्रतिमा लोगों को आकर्षण का केंद्र रही। इसी तरह शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर में महाआरती कर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर ट्रस्टी अशोक चौधरी ने बताया कि मंदिरों की साफ सफाई करने के साथ ही विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को शहर में भी दीप प्रज्वलित किए जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा रामायण समिति द्वारा रामचरितमानस का अखंड पाठ भी किया जा रहा है। जो है आज हनुमान जी की महाआरती का कार्यक्रम रखे थे। इस कार्यक्रम में सब लोग का मुख्य उद्देश्य जो है जन जागरण करना है, अपने अपने मंदिर देवालय की स्वच्छता करना है, अपने घर आंगन का भी स्वच्छ करना है और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे उत्साह के साथ पूरे शहर को नगर को जो है दीप प्रज्वलित करके जगमगाना है, यही हमारी आज के कार्यक्रम। वहीं रायपुर जिले में श्री राम के ननिहाल यानी चंदखुरी में माता कौशल्या की भूमि में उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को माता कौशल्या मंदिर परिसर 21,000 दीपकों से रोशन होगा। प्रतिष्ठा को लेकर एक खुशी का माहौल है। इस वक्त हम मौजूद है छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में। इसे कौशल्या माता का ननिहाल कहा जाता है और इस वक्त यहाँ पर पुजारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या खासियत है और यहाँ पर कितना उत्साह है। सर क्या नाम है आपका? जी संतोष कुमार चौबे, माँ कौशल्या मंदिर पुजारी। क्या कहेंगे आप, कितना उत्साह है? उत्साह तो इतना है, अपार उत्साह है, इसकी तुलना नहीं किया जा सकती, इसको बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतने हर्ष है। एक तो पहली बार क्या हम लोग अपने जीवन में और भगवान राम जी का आगमन और प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है, पर हम तो अयोध्या पहले की जो अयोध्या तो उसको देखे नहीं थे, है ना। भगवान राम जी का जो ननिहाल है, मामा गांव है, यहाँ लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं और छत्तीसगढ़ के भांजा राम इनके नाम से इतने उत्सव हैं कि लोगों में कि अपने अपने घर में जीत प्रज्वलित के लिए तैयारियां चल रही हैं और साफ सफाई चल रहा है और यहां स्वयं मंदिर परिसर में हम लोग 21,000 दिए का भी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की, कहा लोगों को स्वास्थ्य और पोषण की गारंटी प्रदान करना सरकार का संकल्प। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पावन ज्योति छत्तीसगढ़ पहुंची, राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ज्योति कलश मुख्यमंत्री को सौंपा। गुंडरदेही में बना 51,000 रामचरितमानस ग्रंथ वितरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये उपलब्धि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। और जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण से स्पेशल बेर लेकर युवाओं का दल अयोध्या के लिए रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।